गुड इवनिंग क्लास। आज हम पीओटी के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। होता क्या है कि हम तो थ्योरी तो पढ़ लेते हैं पर क्वेश्चन नहीं करते हैं। जब हम क्वेश्चन नहीं करते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि इस थ्योरी से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। फिर हम कहीं ना कहीं कन्फ्यूज रहते हैं और हम अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती हमारी। तो इसके वजह से मैंने 50 क्वेश्चन तैयार किया है। चलो देखते हैं कि 50 क्वेश्चन में क्या क्या है और कैसे कैसे पेपर में पूछे जाते हैं। आपके सामने दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। एक होता है हमारा पैसिव टीचिंग और एक होता है हमारा पार्टिसिपेटरी टीचिंग। यानी जो डेल कॉन एक्सपीरियंस है इसमें कितने स्टेज है आपके? 10 स्टेज हैं। कितने स्टेज आपके? 10 स्टेज हैं। इन 10 स्टेज को दो भाग में डिवाइड किया गया है। किसमें? किससे? पैसिव टीचिंग मेथड और दूसरा पार्टिसिपेटरी, या फिर दूसरा इसका क्या नाम है आपका? एक्टिव टीचिंग मेथड। कौन सा? एक्टिव। तो कुछ ऐसे हैं, पैसिव वाले में क्या है इसका क्या हो जाएगा अगर देखा जाए तो? इसका आपका हो जाएगा डेमोस्ट्रेशन और इसका हो जाएगा आपका ग्रुप डिस्कशन। चलो बात करते हैं इसका डेमोस्ट्रेशन क्या हो, कैसे होगा, इसका जीडी कैसे होगा आपका। यहाँ पर ध्यान से देखो, जब हम लेक्चर के थ्रू सीखते हैं तो 5% सीखते हैं, जब हम रीडिंग के थ्रू सीखते हैं तो 10% सीखते हैं, जब हम ऑडियो विजुअल के थ्रू सीखते हैं तो 20%, डेमोस्ट्रेशन से 30%, जीडी से हम सीखते हैं 50%, हम जब हम खुद करते हैं तो 75%, अब टीचिंग जो अलग मेथड है यहाँ पे 90%। कितना है? 90%। इसके देखो आप, दो भाग में डिवाइड किया गया। एक है आपका पैसिव, दूसरा आपका पार्टिसिपेटरी। पैसिव का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपका कोई सहयोग नहीं होता है, इसमें कोई दूसरा बंदा आपको करके देता है। डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे ये है, कोई दूसरा बंदा आपको डेमोस्ट्रेट करके बता रहा है, आपको सिखा रहा है, यानी आप उसमें डेमोस्ट्रेट में कोई हिस्सा नहीं ले रहे हो। हाँ, अगर डेमोस्ट्रेशन में आपका ये होता कि आप खुद करते तो आप किस में आते? इस वाले में आते आप। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, कोई दूसरा बंदा आपको करके दे रहा है, यानी कि पैसिव, यानी दूसरा बंदा करके दे रहा है आपका, तो पैसिव। अगर आप खुद कर रहे हो तो क्या आएगा आपका? एक्टिव, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका? पार्टिसिपेटरी। क्लियर है? आप अगर खुद इसमें इन्वॉल्व हो तो किस में आओगे आप? सेकेंड वाले में। अगर आप कोई दूसरा बंदा आपको करके दे रहा है जिससे आप कुछ सीख रहे हो तो किस में आएगा आपका? पैसिव में आएगा। क्लियर है? तो डेमोस्ट्रेशन इसमें क्या है, दूसरा बंदा करके दे रहा है। यहाँ पर आप देखो, टीचिंग अदर इसका आपका इसमें आ जाएगा, उसका प्रैक्टिस इसमें आ जाएगा आपका, टीचिंग अदर इसमें आ जाएगा, जीडी आपका इसमें आ जाएगा। पर डेमोस्ट्रेशन अगला बंदा करके आपको दे रहा है तो क्या आएगा आपका? ये पैसिव टीचिंग। यहाँ पे बात करते हैं पार्टिसिपेटरी, नाम से आपको पता चल रहा है इसमें एक से अधिक, यानी कि इसमें आप किसी न किसी तरह से क्या कर रहे हो? पार्टिसिपेट कर रहे हो। क्लियर है? यहाँ पे देखो, लेक्चर हमारा किसमें है? पैसिव में। डेमोस्ट्रेशन किसमें है हमारा? पैसिव में। जीडी, जीडी आपका किसमें आएगा? जीडी में आप क्या करते हो, आप चीजों को बोलते हो, खुद कर रहे हो ना, वहां पे आप खुद कर रहे हो। जब आप खुद कर रहे हो तो इसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। और किसमें आएगा ये आपका? ये आएगा आपका पार्टिसिपेटरी में। क्लियर है? यहाँ पे देखो आप, डेल कॉन एक्सपीरियंस को, ये जो आपके सेंस ऑर्गेन, आप रीड करते हो तो 10% सीखते हो, आप जब सुनते हो तो 20%, देखते हो तो 30%, आप जब देखते भी हो और सुनते हो तो 50%, यानी किसमें आपका? इसमें कौन सा है आपका? डेमोस्ट्रेशन, जीडी। क्लियर है? जब आप बोलते बोलते हो, यानी आपका जीडी आ गया इसमें, तो आप कितने परसेंट सीखते हो? 70%। पर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जब आप कर भी रहे हो बोल भी रहे हो, यानी आपका किसमें आ गया? आप इसमें आते हो डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस वाले में, जिसमें आप खुद काम करते हो। क्लियर है? आगे बढ़े। इसमें देखो आप, जब भी मैंने आपको ये बताया कि जो डेल कॉन एक्सपीरियंस है इसको कितने स्टेज में डिवाइड किया गया है? 10 स्टेज में। कितने स्टेज में? 10 स्टेज में। पहला है आपका डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस, जिसमें आप खुद इन्वॉल्व रहते हो, आप खुद करते हो। जैसे हम बात करें अपने, अगर हम एनएसटीआई के बारे में बात करें तो जो हमारे टीओ सर होते हैं या फिर डायरेक्टर सर होते हैं, उन्होंने क्या किया, ये सब चीज़ अपने लाइफ में उन्होंने फेस कर लिया है। फेस कर करके कर करके वो इस वाले स्टेज पे आ चुके हैं, यानी कि वो काम उन्होंने सब कुछ फेस कर चुके हैं, सब काम वो कर चुके हैं। तो किसमें आ गया आपके? डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस में। जो आपका डेल कॉन एक्सपीरियंस है उसने फोकस किस पे किया आपका? डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस पे। पर ये जो आपके हैं,
ये कहीं ना कहीं अलग। अगर टैक्स है, अगर आपको कोई दिखाया जा रहा है टैक्स वगैरह, कोई आपको सिंबल दिखाया जा रहा, तो आपकी नॉलेज होगी कम होगी। जब आपको कोई पिक्चर के थ्रू नॉलेज दिया जा रहा तो आपको थोड़ा सा 10% हो जाएगा। जब आपको ऑडियो के थ्रू सुनाया जा रहा तो इसका आपका रिजल्ट अलग होगा। जब आपको मूवी के थ्रू दिखाया जा रहा तो इसका अलग होगा। एग्जिबिट के थ्रू दिखाया जा रहा, यानी कि ऐसा कुछ सार्वजनिक जो प्रदर्शित की जाती है उसके थ्रू आप सीखते हो, तो आपका किस में आता है, एग्जिबिट में आ जाता है। इसमें क्या होता है, आप चीज़ों को देख के समझते हो। क्लियर है? फील्ड ट्रिप, आपको पता है जब आप कॉलेज में होते हो, इंस्टीट्यूट में होते हो, तो आपके फील्ड ट्रिप के रह जाता है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ सिखाने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ पे आपको उतना तो सहयोग होता ही नहीं है। तो जो आपका परसेंटेज है समझने का, वो कहीं ना कहीं कम होता है। डेमोस्ट्रेशन, जब आप देखते हो कोई आपको प्रदर्शनी करके दिखाता है तो आपका डेमोस्ट्रेशन होता है। जब आप खुद इसमें इन्वॉल्व रहोगे तब आप यहाँ पे आ जाओगे। क्लियर है? पर यहाँ पे क्या है, कोई दूसरा बंदा आपको करके दे रहा है, आप नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा बंदा करके दे रहा है। अगर हम इसके बारे में बात करें ड्रामाटाइज, तो आपकी क्लास में चाहे कॉलेज में कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है, यानी 26 जनवरी में होता है, 15 अगस्त में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको एक ड्रामा के थ्रू कुछ मैसेज दिया जाता है। तो जो आपका गैन होता है, यानी जो आप रिमेम्बर करते हो, उसका परसेंटेज थोड़ा सा इनसे ऊपर आपका बढ़ जाता है। क्यों? हाँ, अगर ड्रामाटाइज में, अगर आप ड्रामा में खुद हिस्सा लेते हो तो आप इधर आ जाते हो, नीचे आ जाते हो, आपकी परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाती है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप ड्रामा कोई दूसरा करके दिखा रहा है और आपको मैसेज दे रहा है। क्लियर है? इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है कि कंट्रीब्यूट कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस में अगर देखा जाए तो इसके तो अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, पर इसमें रियल क्या होता है, कोई बंदा आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता है। कोई कहीं घूमने गया, उसने कुछ सीखा, आपको बताया, तो जो आप सीखते हो तो लगभग लगभग इसमें आ जाता है। और डायरेक्ट वाले में मैंने आपको अभी डिस्क्राइब कर दिया क्या होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। ये अभी यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ कि हमें पता है कोई भी मैसेज हमारे रजिस्ट्रेशन के थ्रू हमारे माइंड में क्या होता है, स्टोर होता है। रिटेंशन क्या करता है, उस मैसेज को बनाए रखता है। उसके बाद आपका रिकॉग्निशन क्या करता है, उस मैसेज की पहचान करता है। और रिकॉल क्या करता है, उस मैसेज को रिप्रेजेंट करता है आपका। ठीक है? तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी मैसेज आपके माइंड में आता है, कोई भी मैसेज आपके माइंड में आता है, फिर उसे आप जब डिलीवर करते हो तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है? तो उसको क्या कहते हैं हम, रिकॉल। क्या कहते हैं? रिकॉल। क्लियर है? आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें ये कहा गया है आपका कि जो आप मैसेज चाहे जो कंटेंट होता है आप अपने माइंड में परमानेंटली स्टोर करते हो, तो उस मेथड को, उस मेकिंग को क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको अभी यही बताया कि आपका जो रिटेंशन होता है, रिटेंशन मतलब ये होता है कि आप उस मैसेज को अपने माइंड में लंबे टाइम तक स्टोर करके रखते हो, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस मैसेज को चाहे उस कंटेंट को आप परमानेंटली अपने दिमाग में स्टोर करना चाहते हो। तो इसका क्या होगा आपका, इसका हो जाएगा आपका रिटेंशन। क्या हो जाएगा? रिटेंशन। यानी कि इसमें कौन कौन सा रूल हम यूज करते हैं, लो ऑफ फ्रिक्वेंसी, लो ऑफ रिसेंसी, यानी कि कुछ ऐसे तरीके यूज करते हैं जिसके वजह से जो आपने मैसेज आपके माइंड में जो स्टोर है उस मैसेज को हम क्या करेंगे, परमानेंट के लिए बना के रखने की कोशिश करते हैं। तो किस में आएगा आपका, रिटेंशन। क्या आएगा? रिटेंशन। क्लियर है? आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें ये कहा गया है कि जो हम लेसन प्लान प्रेजेंट करते हैं क्लास में, उसके चौथा स्टेप में क्या होता है, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? प्रिपरेशन। दूसरे नंबर पे क्या होता है? प्रेजेंटेशन। तीसरे नंबर पे क्या होता है आपका? एप्लीकेशन। और चौथे नंबर पे क्या होता है? टेस्टिंग। क्या होता है? टेस्टिंग। तो ये आपका क्या कह रहा है कि 4 स्टेप में लेसन प्लान में क्या होता है, तो क्या होता है आपका? टेस्टिंग। क्या होता है? टेस्टिंग। क्लियर है? और इसमें आपका सेम क्वेश्चन वही है, इसमें कह रहा है कि तीसरे स्टेप में क्या होता है, तो तीसरे स्टेप में क्या होता है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है, आप क्वेश्चन जो करते हो उसकी मीनिंग जो होती है अलग होता है, यानी कि आप जो इसमें क्वेश्चन वगैरह करते हो उसका मतलब है कि आप प्रैक्टिस करा रहे हो। क्या करा रहे हो? प्रैक्टिस करा रहे हो, बच्चों को एक्सरसाइज करा रहे हो। पर टेस्टिंग वाले में ऐसा नहीं होता, टेस्टिंग वाले में आपका क्या होता है, आप बच्चों का टेस्ट ले रहे हो, उनको आप एक तरह से कंपेयर कर रहे हो, जांच कर रहे हो कि जो आपने पढ़ाया सही पढ़ाया नहीं पढ़ाया। क्लियर है? इसमें आप जब क्वेश्चन करोगे उसका मतलब है आप बच्चों से प्रैक्टिस करा रहे हो, उनकी तैयारी करा रहे हो, एक्सरसाइज करा रहे हो। पर अगर यहाँ पे क्या मतलब है, आप उनको एक तरह से टेस्ट कर रहे हो कि जो आपने पढ़ाया उन्होंने अच्छे से कैच किया या कैच नहीं किया। क्लियर है?
आगे बढ़े। अब यहां पे देखो आप, डेल कॉन एक्सपीरियंस जो है आपका, तो इसमें ये कहा गया है कि 2 सप्ताह बाद, 2 वीक बाद जो आपको याद, आपने जो किया था उसका कितना परसेंट आपको याद रहता है। तो कितना याद रहता है आपका, आप अगर रीड करते हो तो 2 हफ्ते बाद आपको कितना याद रहता है, तो आपको याद रहता है 10%। कितना रहता है? 10%। अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब हम इस वाले जो हमारा डेल कॉन एक्सपीरियंस है, इसमें जब हम सुनने का काम करते हैं, हेयर करते हैं, तो 2 हफ्ते बाद हमें कितना याद रहता है? तो हमें याद रहता है कितने परसेंट? 20%। कितना याद रहता है हमें? 20%। क्लियर है? आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखो आप, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे बात किस पे हो रही है? सी पे। जब आप देखते हो तो कितना परसेंट आपको याद रहता है? तो हमें रहता है आपके 30%। कितना याद रहता है? 30%। चौथे वाले क्वेश्चन में क्या है? जब आप देखते भी हो और सुनते भी हो, क्या कर रहे हो आप तो एक देखने का भी काम कर रहे हो और एक सुनने का भी काम कर रहे हो, तो आपको कितना परसेंट याद रहता है? तो आपको याद रहता है 50%। कितना रहता है? 50%। क्लियर है? यहाँ पे आप ध्यान से देखो, हमने रेड पे देख लिया 10%, हमने हेयर पे सुन लिया 20%, हमने देखने पे किया 30%, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है। वॉट? क्या? सी। यानी सी में क्या था? 30%। अगर हम देख भी रहे और सुन भी रहे, तो हमारा यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन प्लान कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम उसे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, मूवी हम देख रहे हैं, तो मूवी क्या कर रहे हैं हम, उसमें आवाज़ भी आ रही है और हम उसे देखने का भी काम कर रहे हैं, तो हमें 50% याद रहता है। कितना हमें याद रहता है? 50%। कितना याद रहता है हमें? 50%। क्लियर है? आगे बढ़े। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, जब आप बोलते हो, बस से करते हो, कहते हो, तो आपको कितना परसेंट याद रहता है? आप देखो, अब ये किस में आ गया आपका? ये और ये किस में आ गया आपका? ये आ गया आपका एक्टिव वाले में। क्यों? क्योंकि इसमें आप खुद काम कर रहे हो भाई, इसमें आप खुद कर रहे हो। पहले वाले में क्या था? उसमें दूसरा बंदा आपको करके दिखा रहा था, पर यहाँ पे क्या है? आप खुद कर रहे हो, डू, आप खुद कर रहे हो से, यानी आप खुद बोल रहे हो, कुछ कह रहे हो आप। यानी ये किस में आएगा आपका? पैसिव में, सॉरी, एक्टिव में आएगा। किस में आएगा आपका? एक्टिव में आएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जब आप खुद बोलते हो तो आपको कितना परसेंट याद रहता है? तो 70%। जब आप बोलते हो या फिर कहते हो, यानी मेन टारगेट क्या है आपका? करने का। तो कितना परसेंट याद रहेगा आपको? 90%। कितना याद रहेगा? 90%। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना है? 70%। यहाँ पे कितना है? 90%। क्लियर है? आगे बढ़े। ये क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हर किसी की जिंदगी में एक इम्पैक्ट आता है, कुछ घटनाएं आती है, पर कुछ घटनाएं आप हमेशा याद नहीं रह सकते हो। तो क्वेश्चन आपका यही कह रहा, कुछ इवेंट जो आपके माइंड पर, किस पे? आपके माइंड पर क्या करते हैं? स्ट्रांग इम्पैक्ट डालते हैं, स्ट्रांग प्रभाव डालते हैं आपके ऊपर, और ये प्रभाव आपके जो दिमाग पे क्या होता है, एक लंबे टाइम तक बना रहता है। जैसा कौन सा नियम है, इसमें आपका कौन सा नियम काम करेगा? इसमें आपका नियम काम करता है स्ट्रांग इम्प्रेशन, यानी आपकी स्ट्रेंथ। कभी कभी क्या होता है कि पेपर में आपसे ये पूछ लेता है, जो इम्प्रेशन का जो नियम है आपका, लो, अब इम्प्रेशन का जो आपका नियम है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है आपका? इम्पैक्ट। कौन सा आपका? इम्पैक्ट। ये क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, क्लास में आप बैठते हो तो कोई टीचर आता है, कोई बंदा आता है, कुछ ऐसा काम कर देता है कि जिससे आप भूल नहीं पाते हो, आपको याद रहता है, आप इम्प्रेस हो जाते हो। या कभी कभी क्या होता है, हमारे कॉलेज में प्रोग्राम होते हैं, उस प्रोग्राम में बहुत से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी बात बोलते हैं, कुछ ऐसा डायलॉग बोल जाते हैं जिसका प्रभाव आपके दिमाग पे क्या होता है, एक लंबे टाइम तक बना रहता है। वो कौन सा नियम है आपका? स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? इम्पैक्ट का नियम। क्लियर है? अगर फ्रिक्वेंसी के बारे में बात करें तो फ्रिक्वेंसी का नियम क्या होता है आपका? कोई भी इवेंट, कोई भी मैसेज को बार बार रिपीट करते हो, बार बार रिपीट करते हो, उसका एक्सरसाइज करते हो, तो फ्रीक्वेंसी का नियम है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि फ्रीक्वेंसी का नियम हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो जब हम लेसन प्लान देते हैं उसमें 4 स्टेप है, आपको पता होगा कौन कौन से। प्रेजेंटेशन, उसके बाद होता है, सॉरी, पहले होता है प्रिपरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, फिर लास्ट में होता है टेस्ट।
तो अप्लीकेशन एक होता है और एक होता है टेस्ट। तो अप्लीकेशन में भी क्वेश्चन करते हैं हम और टेस्ट में भी करते हैं, पर अप्लीकेशन में जो हम क्वेश्चन करते हैं उसका मतलब ये होता है हम बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? प्रैक्टिस। तो वहां पे हमें कौन से नियम की जरूरत है? जहां पे बार बार हमें रिपीट करना है, तो यहाँ पे कौन सा नियम काम करता है? हमारा फ्रिक्वेंसी का नियम। इसका दूसरा नाम क्या है आपका? एक्सरसाइज का नियम। क्लियर है? इसके बारे में बात करें, जब आप कोई भी मैसेज या कोई भी पढ़ाई आप करते हो तो आप इंटरेस्ट लेके कंटिन्यूटी करते हो, तो आपका ये नियम काम करता है। क्लियर है? अगर प्राइमरी नियम के बारे में बात करें तो हर कोई बंदा अपने लाइफ में कोई भी काम पहली बार करता है। पहली बार आपने गाड़ी चलाई होगी, पहली बार आप क्लास में कभी लेक्चर लेते हो, पहली बार कभी ट्रेन से जाते हो, कुछ भी हो सकता है, आपको हमेशा याद रहता है। जब आपको पहली बार कोई फ़ोन मिला था, मल्टीमीडिया फ़ोन, तो आप बहुत खुश हुए थे, आपको याद होगा। तो ये चीज़ किस में आती है यहाँ पे आपकी? देखो, ये भी प्राइमरी में बहुत सा आती है। प्यारा किस में आती क्वेश्चन है? है। अभी मैंने प्राइमरी में आपको आती बताया है। कैसा, कौन सा नियम है जिसका प्रभाव आपके माइंड पर स्टार्टिंग चरण से, यानी कि ईयरली स्टेज से ही पढ़ना स्टार्ट हो जाता है? क्लियर है? मैंने आपको अभी बताया जो प्राइमरी का नियम है, आपके प्राथमिक चरण से इसका प्रभाव आपके माइंड पे पड़ना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी काम आप जब करते हो पहली बार तो आपको याद रहता है, यानी कि स्टार्टिंग स्टेप से ही आपके माइंड पे क्या होता है? लंबे टाइम तक बना रहता है। क्या होता है? लंबे टाइम तक बना रहता है। अगर हम इसके बारे में बात करें एसोसिएशन, तो ये नियम आपका क्या कहता है? ये नियम आपका कहता है कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो चीज़ों को, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से कनेक्ट कर करके पढ़ो, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से आप कनेक्ट कर करके पढ़ो, जिससे क्या होगा कि आप अच्छे से समझ पाओगे और इसका प्रभाव आपके माइंड पे लंबे टाइम तक बना रहता है। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि हम जब एसोसिएशन का जो नियम यूज़ करते हैं कहाँ पे करते हैं? तो हम इसे करते हैं प्रेजेंटेशन में। कहाँ करते हैं? प्रेजेंटेशन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चों को हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु से कनेक्ट कर, हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से कनेक्ट कर करके बताते हैं। क्लियर है? जबकि दूसरा नियम यहाँ पे आपके देखो 15 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा, आपका क्वेश्चन ये कह रहा कि ऐसा कौन सा नियम है जिसमें आप इंटरेस्ट ले लेके पढ़ाई करते हो, ले लेके पढ़ते हो, जिसका प्रभाव आपके माइंड पर लंबे टाइम तक बना रहता है? तो कौन सा है आपका? कौन सा है इसका? तो आपका हो जाएगा प्राइमरी हो जाएगा। क्लियर है? इसके बारे में बात करें तो इसका क्या होगा? लो ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जब भी आप पढ़ाई करोगे, अगर इंटरेस्ट लेके करोगे, कंटिन्यूटी के साथ करोगे, तो उसका प्रभाव आपके लाइफ में हमेशा याद रहेगा आपको। क्लियर है? आगे बढ़े। सिक्वेंस का क्या होता है? जब आप कंटिन्यूस इस सिक्वेंस के रूप में पढ़ाई करते हो, यहाँ पे देखो क्लियर आप, है? इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा कि दो वस्तुएं, कुछ भी हो सकता है, उनकी जो प्रॉपर्टी है किसी है, सिमिलर है। कैसी है? सिमिलर। उनकी प्रॉपर्टी कैसी है? सिमिलर। जब आप एक वस्तु को याद करते हो तो आपकी जो दूसरी वस्तु है ऑटोमेटिक आपको याद आ जाता है। जैसे जब आप पेन के बारे में याद करते हो तो पेंसिल याद आ जाती है। क्यों? ये दोनों सिमिलर है, दोनों क्या करते हैं? लिखने के काम करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नियम काम करेगा आपका? क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सा नियम आएगा आपका? नियम होगा सिमिलैरिटी की। किसकी? सिमिलैरिटी की। अगर हम निजी लाइफ में बात करें तो जो हमारे क्लास के टीचर होते हैं, तो बच्चों को उन्होंने पढ़ा दिया, तो एक बच्चे को डाउट आ गया और सर के पास लेके चला गया, तो बच्चे ने उसको समझा दिया कि सर मुझे ये डाउट है। तो टीचर ने क्या किया, उसको बताया और अच्छे से समझाया। फिर क्या हुआ, एक दूसरा ट्रेनेज उसके पास जाता है और पूछता है सर ये मुझे नहीं आया, तो सर को ये पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन सर ने पहले बता चुके हैं, ठीक है, तब उन्हें याद आ जाएगा। यानी क्यों? क्योंकि उनके फेस ही पहले फेस कर चुके हैं, उनके सामने दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा नियम है आपका? सिमिलैरिटी का नियम है। क्लियर है? यहाँ पे देखो जस्ट अपोजिट, वहां पे क्या था? दो वस्तु है जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, सेम थी। यहाँ पे क्या है? अपोजिट। सेम क्वेश्चन है कि आप एक वस्तु को याद करते हो, दूसरी वस्तु आपको याद आ जाती है, पर दोनों की जो प्रॉपर्टी है कैसी है? अपोजिट। कैसी है? अपोजिट। जैसे दिन और रात, दुख और सुख, ठीक है, जब आप दिन को याद करते हो रात की याद आती है। क्लियर है? दुख सुख ये जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, पर इनके हम जब हम एक को याद करते हैं तो दूसरा हमें याद आ जाता है। अगर हम बात करें, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया हमने और इसको भी पढ़ लिया, अब बचा लास्ट वाला, यानी कि कंस्ट्रास्ट का नियम। कंस्ट्रास्ट का नियम क्या कहता है? इसके जस्ट विपरीत। क्या विपरीत? यानी कि दिन और रात, तो इसका क्या हो जाएगा आपका?
डी हो जाएगा। क्यों? ये नियम जस्ट अपोजिट होता है, जैसे दिन और रात, दुख और सुख। ये नियम ये कहता है कि दो वस्तु सिमिलर नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट है। जब आप एक वस्तु को याद करते हो तो दूसरी वस्तु आपको याद आ जाती है, जैसे गुड बॉय, बैड बॉय। क्लियर? यहाँ पे देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा कि फॉलो अप वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो फॉलो अप करते हैं बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। ये किसके अंतर्गत आता है, ये किस में कंसिडर किया गया है आपका? तो मैंने आपको बताया कि जब हम कोई भी मैसेज याद करते हैं तो हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है, उसका हम क्या करते हैं, रिटेंशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में या फिर हमारे माइंड में उसका प्रभाव एक लंबे टाइम तक बना रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं। तो फॉलो अप का मतलब अगर होता है तो देखा जाए तो किसका मतलब क्या होता है, जांच करना। यानी क्यों, जो मैसेज मैंने याद किया, चाहे जो चीज़ मैंने कल पढ़ा था, क्या वो मैसेज मुझे याद है? अगर याद है तो कितना याद है? तो हम क्या करते हैं उसको बनाए रखने के लिए, हम उसको रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा नियम काम करेगा, यहाँ पे हमारा करेगा रिपीटेशन। क्लियर है? आगे बढ़े। ये क्वेश्चन देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप हमेशा डाउट में रहते हो कि माइक्रो टीचिंग के एलिमेंट कितने होते हैं, उसके फेजेस कितने होते हैं। तो आज ये डाउट आपके कंप्लीट क्लियर होने वाला है, पूरी तरह से क्लियर होगा। तो अगर हम एलिमेंट के बारे में बात करें तो एलिमेंट इसके तीन होते हैं। फेजेस के बारे में बात करें तो इसके फेजेस भी कितने होते हैं, तीन होते हैं। पर स्टेप के बारे में बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा वही है। तो ये एलिमेंट हमारे कौन कौन से होते हैं, तीन। माइक्रो क्लास, जब भाई आपके माइक्रो क्लास है तो आपका लेसन भी माइक्रो होगा, आपके कंपोनेंट भी छोटे एक ही होंगे, टॉपिक आपका क्या होगा, एक होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस। क्लियर है? अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, इसके फेजेस कितने होते हैं, तीन होते हैं। कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। एक होता है हमारा प्री एक्टिव फेज, कौन सा होता है, प्री एक्टिव फेज। दूसरा कौन सा होता है हमारा, इंटर एक्टिव फेज। तीसरा कौन सा होता है हमारा, पोस्ट एक्टिव फेज। पहले वाले में क्या होता है कि हम जो चीज़ों को समझते हैं, जो हमें पता है, उसको हम डेवलप करते हैं। दूसरे वाले में क्या है, हम उस चीज़ों को जो हमने डेमोस्ट्रेशन किया, जो हमने किया, उसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं, प्रैक्टिस। और तीसरे में क्या है, जो चीज़ हमें पता चल गया हम उसका ट्रांसफ़र करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसफ़र। क्यों यार, जो आपने सीख लिया, समझ लिया, तो लास्ट में क्या होता है, हम उसका ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे जब हम लेसन प्लान देते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, टेस्ट। टेस्ट क्यों देते हैं बच्चों को, इसलिए कि हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा उसको हम जाँच कर सकें, ठीक है, उसको डिफरेंट कर सके हम। यहाँ पे तो लास्ट में देखो, क्या करते हैं, जो ये भी हमने बहुत सीखा प्यारा उसका क्वेश्चन है, ट्रांसफर मैंने कर अभी देते बताया हैं। आपको कि माइक्रो क्लियर टीचिंग है? के स्टेप कितने होते हैं और साइकिल कितने होती हैं। तो साइकिल और स्टेप आपके सेम होते हैं, कितने होते हैं, छः होते हैं। कितने होते हैं, छः होते हैं। चलो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमारा होता है प्लान, क्या होता है, प्लान। दूसरा क्या होता है हमारा, इसे बोलते हैं प्लानिंग। दूसरा होता है टीचिंग। तीसरा होता है फीडबैक। क्लियर है? फिर इसको क्या करते हैं, हम रिपीट कर देते हैं। क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं, यानी कि रीप्लान, रीटीच और रीफीडबैक। ये हमारे छह स्टेप होते हैं, तीन हमारे ये फेसेस हो गए, छह स्टेप हो गए। अब यहाँ पे देखो, जो हम प्लान करते हैं इसकी भी टाइमिंग होती है, जो हम टीच करते हैं उसकी भी टाइमिंग होती है, जो हम फीडबैक देते हैं उसकी भी टाइमिंग होती है। पर ये टाइमिंग हम कंसिडर ठीक से नहीं करते हैं। क्यों? जब माइक्रो टीचिंग होता है तो उसमें अगर पूछा जाए कि क्लास कितने मिनट की होती है, तो क्लास उसमें होती है 5 से 15 मिनट। कितनी होती है, 5 से। कितनी होती है आपकी क्लास, 5 से 15 मिनट। क्लियर है? तो इसमें हम स्टार्टिंग के तीन काउंट कर लेते हैं, तो 15 मिनट हमारी क्लास होती है मैक्सिमम। आप ये क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग में कौन सा सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट कौन सा नहीं करता। तो मैंने आपको अभी बताया इसकी क्लास होती है आपकी 5 से 15 मिनट, तो ऑप्शन आपका ये गलत हो गया। अब दूसरे के बारे में बात करते हैं, जब आपकी माइक्रो क्लास है तो जो आप टॉपिक जो आपको पढ़ाया जा रहा हो वो आपका टॉपिक एक होगा, एक से ज़्यादा तो नहीं होगा। तो आपका बी ऑप्शन भी गलत है। अब ट्रेनिंग्स के बारे में बात करते हैं, तो ट्रेनिंग्स में आपके होते हैं 3 से 5। कितने होते हैं, 3 से 5। क्लियर है? तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ये कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता। क्लास 5 से 15 मिनट की होती है, टॉपिक आपका एक होता है, ट्रेनिंग्स की संख्या 3 से 5 होता है।
तो आपका क्लियर हो गया, यानी कि इसका होता है ऑल ऑफ दिस, कोई भी सपोर्ट नहीं करता, ये जस्ट अपोजिट है। तो आज का सेशन में बस इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, बाकी इसके जो बाकी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं अगले वाले टॉपिक में डाल दूंगा उसको। आप वीडियो को देखो और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे ये फायदा होगा आपको कि जो मैं अगला वीडियो डालूंगा इसके 30 क्वेश्चन का, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जाके साइड पे उसे आराम से देख अगले सकते क्लास हो। में क्लियर है, हम देखेंगे जो तो आज बाकी के के लिए जो हम इतना ही क्वेश्चन बचे रखते हुए हैं। हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे उसको अपने अपने पीओटी सब्जेक्ट में कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं और अधिक से अधिक उसका बेनिफिट हम उठा सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है।